अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई साहब, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सीन कुछ ऐसे कि आपकी बहन ने जो नया शेयर ड्रेस पहना है ना, वो मैं अपनी माँ को दिखाए बगैर घर से निकल रही। इवन मैं अपनी माँ को बताए बगैर यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। फुल सॉरी थी, तो मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, मैं उनको उठाऊँ हिलाऊँ जी, देखें मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। खैर, मैंने अपनी अम्मा जी को नहीं बताया। तो अब यहाँ तो आज आपकी बहन है नहीं, या फिर पता नहीं क्या है नहीं। खैर, मैं जा रही हूँ नॉटनी का पेपर देने के लिए। दुआओं की शायद ज़रूरत है, आता सारा कुछ है, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर। 2 hours later तो जी, आपकी बहन पेपर शेपर दे आई है नॉटनी का, आग लगा दिया पेपर में। खैर, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हुआ है मेरा पेपर। इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, बट बस MCQs का डाउट है। वो मैम पता नहीं क्या चांद तारे लगाएंगी हमारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हुआ मेरा। इतनी मतलब सुबह मैंने रिवीजन कुछ भी नहीं किया था, कुछ रिवाइज़ नहीं किया था मैंने। सुबह उठ के सुबह बस मैं अफरा तफरी में नहाई, यूनिवर्सिटी निकल गई। बट फिर बस ये था कि रास्ते में मैंने एक लेक्चर शायद पढ़ा था, वो भी पता नहीं कौन सा पढ़ा था, ये भी नहीं याद मुझे। तो ये है कि पेपर अच्छा हो गया मेरा, कोई टेंशन ट्यूशन वाली बात नहीं है। अब एक पेपर है बायो मैकेनिक्स का, इतना मुश्किल है यार, 5 lectures हैं उसको, एक भी नहीं आता आपकी बहन को। लेकिन ये है कि मुझे 2 छुट्टियां हैं अब, कल की परसों की, मंडे को पेपर है। तो अब ये है कि कल तैयारी करेंगे आराम से बैठ के, आज का दिन सुकून करेंगे। आज कोई काम वाम नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना छड़ना, बस आज किचन का काम करना है, पढ़ना पुढ़ने की तरफ नहीं आना, बस काम। बाकी अब जाएंगे अफ्तारी शफ्तारी बनाने, और बस आज पता नहीं क्या ख़ास बनाने, आज जुम्मा है। लेकिन देखो मामा का जो दिल करेगा, मामा तो वही बनाएगी ना, औलाद की थोड़ी चलती है, मामा की चलती है जगह। चलो जनाब, आज हम जाते हैं अफ्तारी शफ्तारी की तरफ। ही मेरी प्यारी मामा, हेलो मामा, मामा काट रही हैं सेब, नहीं सेब नहीं है तो आलू, क्या हो गया, नज़रें घूम रही है लगता मेरी। ये मैं एक सेब काट रही थी, मेरी माँ जी ने जो है ना छुरी मेरे से ले लिया। हम एक ही छुरी पे इतफाक करते हैं, मैं और मम्मा एक ही छुरी पे, हम बर्तन ही भरते हैं असल में। मैं मम्मा को अच्छा पहले आलू शालू काट लो, क्योंकि उन्होंने उबालने थे। बाकी फ्रूट चाट मैंने तैयार कर दी है, आज सारा फल मैंने काटा है। मेरी मम्मा का हैंजी निकला ऐसे, जैसे पता नहीं क्या हो गया। खैर, इसमें सारी चीज़ें चूज़ें डाली हैं, आज भी मेरी मम्मा ने इसमें गर्मा डाल दिया है। कल भी मैंने खा लिया था, अच्छा है गर्मा, मतलब अच्छा है जायका, लेकिन ना मतलब मुझे टेस्टलेस लगा ये, ना बहुत मीठा लगा ना बहुत नमकीन लगा, बस ठीक लगा ये मुझे। खैर, बाकी अभी थोड़े से सेब शेब रह गए, मैं ये काट लूँ इसके अंदर। मैं आपको बाहर चल गया था, मैं निकल गई हूँ। हाँ, उसको छोड़ के आती हूँ, मेरा तो पता भी नहीं होता आपको कि कब गई मैं। हाँ, कह तो रही हूँ, बड़ी बच्ची की होश ही नहीं होती है, छोटी की होश होती है, छोटी को छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ, बस देख लिया मैंने, खून सफेद हो रहा है आपका। तो भाई साहब, दही शही डाल दी है मैंने, और कितनी अक्लमंद इंसान हूँ मैं, मैंने दही डाल दिया है। दही भल्लों में आलू नहीं है, और मैं दही डाल के उसको फ्रिज में रख लूँ खाई हूँ। खैर, अब ये दूध और इसमें खजूरें शजूरें हैं, इनको मिक्स, ये लो मामा, इनको मिक्स करना है, इनको ग्राइंड श्रैंड करना है, इसको ग्राइंड करके ना फिर मैं आती हूँ फटाफट। ये लो 2 चूद हो गया तैयार, अब इसके अंदर डालना है पानी, और इसमें भी डालनी है बर्फ़, और इसमें भी डालनी है बर्फ़। ये तो बिल्कुल एक स्मूथ सा बन गया। अब इसके अंदर पानी शानी डालना है, इसके अंदर वो डालना है, बर्फ़ डालनी है। 6:05 हुए हैं, 20 मिनट होगा खुलने में, फिर इसको ना कवर करते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब, इतने मांगने वाले आ रहे हैं। काश के ना बंदा अपने रिश्तेदारों को भी डोनेट कर सकता, मतलब कोई मांगे ना आपसे कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं अपने रिश्तेदारों को चुक चुक कर देती हूँ, एक दफ़ा मैं ये रहती, एक दफ़ा मैं ये रिश्तेदार, एक दफ़ा मैं हमें रिश्तेदारों के स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकती कि किन किन रिश्तेदारों को मैं देना चाहूँगी। लेकिन काश मेरे पास अगर ये ऑप्शन होती ना कि मांगने वाला के अल्लाह के नाते कुछ दे दे, तो मैं कहना सी एनू फड़ो तो लियाओ, इनू मेरे रिश्तेदार, ए रिश्तेदार इस जगह तो रहते, इन्हू लियाओ चुके। काश
काश मेरे पास ये ऑप्शन होती, दही थोड़ा डाल दे करो, मेरी दही कम है। काश आई हैव दिस ऑप्शन, आई वॉन्ट दिस ऑप्शन इन माई फ्यूचर लाइफ। लो भाई साहब सब चीज़ें चीज़ें रख लें, लास्ट के 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट मेरे इन चीज़ों में गुजरते हैं। और क्या लेने आए हो? और ये दही भल्ले, टाटा इट्स योर। मैं सब आज रोज़ा खोल लो कि नहीं खोलना आप लोगों ने? अम्मी आज हो मेरी मीठी चटनी है? मेरी मीठी चटनी इसके बगैर तो मेरी अफ्तारी अधूरी है, इसके बगैर तो खुल गया है देखा। पहले मेरी बहन के सुन लो, बाकी खैर है मेरी गा। अच्छा खैर आपकी बहन फुल थक शक गई है। शर्म कर ले, शर्म कर ले, रोजे चल रहे हैं, रोजे। कबर में इतने चार चार बिच्छू जाने हैं तेरे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा खैर भाई आपकी बहन बहुत 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 ज़्यादा थकी पड़ी है, किचन को वाह वाह मान जाए मैंने आज, मतलब मेरी बस हो गई है। अब मामा मुझे लाने लगा के चली गई हैं कि वो मुझे कुछ खिलाएंगी और खुद भाग गई हैं। भाई भागी भागी नहीं, मेरी मामा ने वादा पूरा किया, किचन साफ करने का इनाम मिला मुझको, बस चखना है मुझको, खुशबू आ रही है, चलो खाएं। अब बस अब बहुत होगी इंतज़ार की घड़ियाँ। खैर मेरी मदर इन लॉ में ऐसे ही करती हैं, आज का व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। भाइयों और बहनों आप लोगों ने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, और अगर आप व्लॉग इंजॉय कर रहे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब से, नहीं जाता। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।